देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ये उनकी पहली जम्मू कश्मीर की यात्रा होगी। दो दिन की इस यात्रा में पहले दिन यानी कि आज शाम 6 बजे वो युवाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर पर होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्व विचार विमर्श करेंगी। वित्त वर्ष 2024-25 का बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। उद्योग जगत से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सीतारमन के साथ बजट पूर्व परामर्श से पहले 18 जून को राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के साथ बैठक होगी। भारतीय किसान यूनियन ने बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के किसान एक बार फिर शंभू बॉर्डर पर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देंगे। आज फिर से रेलवे का चक्का जाम होगा। शंभू बॉर्डर पर सभी किसान धरना देने वाले हैं। 23 जून को शादी करने जा रहे बॉलीवुड कपल सोनाक्षी और जहीर के वेडिंग फंक्शन से जुड़ी एक और डिटेल सामने आई है। बता दें कि कपल आज बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में हल्दी सेरेमनी सेलिब्रेट करने वाला है। इस इवेंट में दोनों के परिवार वालों को मिलाकर 50 से भी कम मेहमान शामिल होंगे। बांद्रा स्थित ये अपार्टमेंट सोनाक्षी ने पिछले साल सितंबर में खरीदा था, जब उन्होंने परिवार से अलग रहना शुरू किया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के अल्पमत में होने के चलते फ्लोर टेस्ट की मांग और प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के रीवा में छात्र संगठन NSUI आज डिप्टी CM के घर का घेराव करने वाली है। NSUI के जिलाध्यक्ष ने बताया कि व्यापम घोटाला, आरक्षक भर्ती, पटवारी परीक्षा, नर्सिंग परीक्षा और अब नीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर NSUI युवाओं के भविष्य की चिंता करते हुए यह निर्णय ले रहा है। देश के कुल IIT, NIT, IIIT व GFTI मिलकर 121 कॉलेजों की 59,917 सीटों के लिए जोसा द्वारा ज्वाइंट काउंसलिंग चल रही है। इस ज्वाइंट काउंसलिंग का प्रथम राउंड का सीट आवंटन आज सुबह 10 बजे जारी होगा। विद्यार्थी जिन्हें प्रथम राउंड सीट आवंटन में किसी भी कॉलेज का सीट आवंटन होगा, उन्हें आज से 24 जून के मध्य ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। अयोध्या धाम से पधारे विजयदास जी के नेतृत्व में बलिया के भगवानपुर में 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। बता दें कि महायज्ञ का आयोजन आज से किया जाएगा। इसमें अयोध्या तथा मथुरा वृंदावन से कथावाचक आएंगे, जो श्रद्धालुओं के बीच कथा की अमृत वर्षा करेंगे। सीहोर में शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला सुबह 11 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इस रोजगार मेले में कृषि, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल एवं BPO सेक्टर की कंपनियों द्वारा 662 पदों पर भर्ती की जाएगी। गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने भगत की कोठी से हरिद्वार तक समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। बता दें कि इस ट्रेन का पहला फेरा आज शुरू होगा, वहीं ट्रेन का दूसरा ट्रिप 27 जून को होगा। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन सन 1873 में भारत में YMCA की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन सन 1958 में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिज्ञ और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 2014 में प्रख्यात कवि केदारनाथ सिंह को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा। आज ही के दिन सन 2016 में अयोध्या बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मुख्य पैरोकार हाशिम अंसारी का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 2018 में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद राज्यपाल NN वोरा ने तुरंत प्रभाव से जम्मू कश्मीर में 6 महीने के लिए राज्यपाल शासन लागू कर दिया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।